please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. संसद में काम नहीं तो भत्ता क्यों? बहस और चर्चा की बजाय हंगामा करने वाले सांसदों पर सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि सत्ता पक्ष के सांसद भी हंगामे के लिए साथी सांसदों के बर्ताव पर सवाल उठाने लगे हैं। मुद्दा गर्म हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर पिछले कुछ दिनों से संसद में हंगामा करना कहां तक जायज है, और जिस सदन की एक मिनट की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है वो सदन कई दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जिस सत्ता पक्ष पर सदन को चलाने की जिम्मेदारी है उसकी कोशिश भी असर डालती नजर नहीं आ रही है, और विपक्ष के कई सांसद भी सदन की कार्रवाई में लगातार बाधा डाल रहे हैं। जब सरकार हर विषय के ऊपर, टॉपिक पे, मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष का रुख क्या है? पिछले 2 हफ्ते से संसद को चलने नहीं दिया जा रहा, ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है। सरकार ने साफ तौर से पहले दिन कहा कि भाई आपको बैंकिंग इरेगुलरिटीज, बैंकिंग स्कैम या कोई भी मुद्दा हो उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चेयरमैन ने और स्पीकर ने साफ तौर से कहा कि भाई इन रूल्स के अंतर्गत आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया के अंदर सुर्खियाँ बटोरनी है उनको। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब इस पर जवाब क्या है, क्योंकि न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं है तो फिर भत्ता क्यों दिया जाए? देखिए, बिल्कुल ये गंभीर विषय भी है और थोड़ा सा जो कोशिशें हो रही है वो हास्यास्पद भी है कि अगर यही सांसद कह रहे हैं कि अगर काम नहीं तो भत्ता नहीं, और यही सांसद संसद नहीं चलने दे रहे हैं। कभी सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा होता है तो राज्यसभा में संजय सिंह आम आदमी पार्टी से वो इस तरीके की चिट्ठी दे चुके हैं अध्यक्ष को कि वो सदन अगर नहीं चलता है तो भत्ता रोक दे तमाम सांसदों का। तो अगर दोनों पक्ष से इस तरीके की बात हो रही है तो फिर आखिर ये सदन को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये भी सवाल उठता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उसको चलाना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए, और सत्ता पक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर, यहाँ तक कि कल सुषमा स्वराज को भी बयान नहीं देने दिया सदन के भीतर और उनको बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा है सदन किसी भी मामले में। अनुराग, इसको लेकर वरुण गांधी पहले लिख चुके हैं स्पीकर को, सुमित्रा महाजन को, और इसी को लेकर अब मनोज तिवारी भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि अब इस पर चर्चा आगे कौन करेगा, कैसे बढ़ाएगा? देखिए, ये फैसला तो निश्चित तौर पर दोनों सदन के जो अध्यक्ष हैं उनको लेना है और वो इस पर कुछ आगे सहमति या रणनीति बना सकते हैं, लेकिन एक सामंजस्य बनाना विपक्ष और सत्ता पक्ष का काम है। इन दोनों की आपसे जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से सामंजस्य बना करके, कुछ मुद्दों पर हो सकता है कि मतभेद हो लेकिन उनको साइड रख के दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपने खुद बताया कि किस तरीके से एक एक मिनट का खर्च इस सदन को चलाने का करोड़ों रुपए में आता है। पूरा देश देख रहा होता है इन दोनों सदन की तरफ, और अगर इन दोनों सदन में चर्चा होने के बजाय सिर्फ हंगामा होता रहे तो फिर देश हित का कोई भी मुद्दा, इस बार का अगर आप बजट भी देखें तो बिना चर्चा के पास हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर उसमें नया विचार कहां से निकल के आएगा, उसमें बदलाव कहां से होंगे, और अगर बजट में कोई खामी थी तो उसकी तरफ विपक्ष ध्यान आकर्षित करता, उसमें सरकार बदलाव करती, वो सब चीजें नहीं हुई। जैसा बजट पेश किया गया वैसा ही पास हो गया, तो इसका मतलब इसके कोई मायने ही नहीं रहे कि अलग अलग दलों से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, अलग अलग लोकसभा जो सीटें हैं उनसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। जो भी एक व्यक्ति या जो भी एक डिपार्टमेंट बजट बना रहा है वो पूरा एज इट इज पास हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये कि सदन का की गरिमा पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर सांसद सदन नहीं चलने देंगे तो फिर इस सदन का मतलब क्या, क्योंकि ये सदन तो सिर्फ बहस के लिए और चीजों को सही करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए ये सदन था, चर्चा के जरिए किया जा सके। जनता चुनकर भेजती है, जनता के नुमाइंदे, जनता की बातों को वहां पर रखना है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बजट सेशन को लेकर जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत सही बात है, लेकिन अनुराग, जो खर्च होता है वहां पर वो भी हमारे और आपकी जेब से ही जाता है, इनकम टैक्स के पैसे से वहां पर पूरा खर्च होता है, तो ये डिमांड तो हर कहीं से उठकर आएगी। अब देखिए, बिल्कुल सांसदों की तरफ से 2-3 सांसदों ने जरूर अपने अपने स्तर पर चिट्ठी लिखी है कि भत्ता रोक देना चाहिए, लेकिन भत्ता इकलौता खर्च नहीं है, सदन को चलाने के लिए पूरी मशीनरी काम करती है, और दिल्ली में जितना भी केंद्र सरकार का सरकारी अमला है। अनुराग, रोक रहे हैं आपको, प्रभात झा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, ये मांग जायज है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कार्रवाई ना हो तो फिर भत्ता भी ना मिले?
देखिए भत्ता बहुत छोटी बात है, 2000 रुपए मिलते हैं सांसद को, 800 सवा 800 सांसद होंगे, कितने हो गए, तो 16000 रुपए, सॉरी 16000 रुपए। अब ये कोई मायने रखता है क्या? सवाल ये नहीं, सवाल भारत के जनतंत्र के मर्यादा का सवाल है। क्या सांसदों के अधिकार विपक्ष ने छीन लिए हैं? क्या संसद की मर्यादाएं छिन्न भिन्न करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है? क्या भारत के संसद लगातार न चलने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है? क्या वो अपने संसदीय क्षेत्र में इस बात की कसम खाकर आए थे कि भारत का संसद नहीं चलने देंगे? क्या इसके आधार पर उन्होंने वोट मांगे थे? ये विपक्ष को अपनी भूमिका निर्वाह करना चाहिए। डिबेट डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। सर, आप लोग भी विपक्ष में रह चुके हैं, सर आप लोग भी रहे हैं, हमने ऐसा विपक्ष की उंगली उठा रहे हैं, तो आप भी याद कीजिए वो दिन जब आप लोग शोर शराबा किया करते थे और सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाया करती थी। मैं रोक लूं प्रभा जी आपको, मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, सर मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, उनको भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने वो जब सत्ता पर थे तो आप विपक्ष में थे, आप लोग हंगामा करते थे। मीम साहब, क्या ये मांग जायज है? अगर कार्रवाई नहीं तो भत्ता नहीं? ये तो पार्लियामेंट्री इसका फैसला करेगी, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक विपक्ष पर इल्जाम है वो चलने नहीं देते। हमारी जो डिमांड्स हैं, हम जो चाहते हैं उस पर क्या सरकार ने कभी सीरियसली गौर किया? हम चाहते हैं कि जो बैंकों में घोटाला हुआ है उस पर संजीदगी के साथ बैठ करके बहस हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने अभी खुद भी कहा कि आप भी यही करते थे, इनको याद रखना चाहिए कि पूरा एक सत्र इन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, वो दिन भी आपको याद होंगे। और ये किस तरह जरा सी महंगाई अगर बढ़ती थी तो ये सड़कों पर सिलेंडर लेकर के इनके जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बड़े लीडर्स हैं वो बैठ जाया करते थे। आज महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, यही काम है, बोलने को तैयार नहीं। आप लोग भी एक अच्छे विपक्ष की परिचय दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं सदन में तो जनता के नुमाइंदे, जब लोगों की बात आप नहीं पहुंचा पा रहे, शोर शराबे की भेंट चढ़ता जा रहा है, ये दोनों पार्टियों पर ये सवाल लागू होता है, आप लोग जनता के नुमाइंदे हैं, क्या जवाब देंगे जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए मैं आपको एक बताऊं, एहतजाज या प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, ये भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, ये हक अपोजिशन से कभी नहीं छीना जा सकता। जब जरूरत पड़ेगी तो एहतजाज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी बहस करेंगे, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो एहतजाज पर एहतजाज जरूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार झूठ पे झूठ बोलने पे लगी हुई है और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारी बात छोड़ दीजिए, हम पूछना चाहते हैं इनके अपने साथी जी, जो एनडीए के साथी हैं, वो इन्हें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? रामविलास क्या बोल रहे हैं सर, वो मुद्दा अलग है, सदन की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया मीम साहब, प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मर्यादा का ख्याल कौन रखेगा, यह सिर्फ सियासत ही होती रहेगी।